देख रहे हैं आजाद सिपाही। छत्तीसगढ़ में अमित शाह रविवार 4 नवंबर को संभालेंगे मोर्चा, प्रधानमंत्री 9 को आएंगे, भाजपा अध्यक्ष जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र, 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे सौदान सिंह और उनकी टीम। आजाद सिपाही के छत्तीसगढ़ विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह, साथ में आजाद सिपाही टीम रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहां उनकी 3 सभाएं होंगी। इससे पहले वो पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को राज्य के दौरे पर आएंगे। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोनी और संजय श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 4 नवंबर को अमित शाह आएंगे, यहां भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। 4 नवंबर को अमित शाह 3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इस दौरान शाह की खुची, कोंडागांव और खैरागढ़ में सभा होगी। सोनी के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश भर से 20,000 से ज्यादा सुझावों को लेकर संकल्प पत्र तैयार किया है। इसके जारी करने के मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बस्तर संभाग के चुनावी प्रभारी राजेंद्र सिंह, राकेश भास्कर जैसे नेता भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के एक साथ नामांकन के साथ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव तैयारियां रफ्तार पर हैं। अभी तक भाजपा ने सभाओं का शतक बना लिया है। प्रधानमंत्री जगदलपुर में करेंगे चुनावी सभा, तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए 9 नवंबर को आएंगे। वो जगदलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सौदान सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हो गया है, अभी उनका पहला कार्यक्रम आया है। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारी के लिए आला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो खुद पूरे राज्य में फैले पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक होगी, इसलिए सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। इधर शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें सौदान सिंह, राजेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, राकेश भास्कर, अमरिंद बिट्टू समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। बैठक में अनिल जैन ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारियाँ भी बांटी गयीं। बस्तर संभाग में हर बूथ पर तैनात होंगे कम से कम 30 जवान। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस ने सुरक्षा का विशेष प्लान तैयार किया है। बस्तर में बढ़ती नक्सली वारदातों के बीच आयोग ने बूथ स्तर का माइक्रो लेवल प्लान तैयार किया। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि हर बूथ पर 10 पैरामिलिट्री, 10 छत्तीसगढ़ पुलिस और 10 DRG के जवान तैनात किए जाएंगे। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बूथों पर जवानों की संख्या को बढ़ाया भी जाएगा। आयोग के निर्देश पर पहली बार बूथ लेवल का प्लान तैयार किया गया है। बस्तर में सुरक्षा के मोर्चे पर अर्धसैनिक बलों के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 60,000 जवानों को तैनात किया गया है। बस्तर में CRPF, कांकेर में BSF और राजनांदगांव में ITBP के जवानों को जिम्मा सौंपा गया है। पैरामिलिट्री बलों के मूवमेंट को जगदलपुर के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों के मूवमेंट पर भी नजर रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि UAV के माध्यम से हवाई सर्विलेंस किया जा रहा है। इसके लिए जगदलपुर कंट्रोल रूम में 24 घंटे की निगरानी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयुक्त OP रावत ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पड़ोसी राज्यों में जारी किया गया अलर्ट, चुनाव इलाकों में पड़ोसी राज्यों की फोर्स से भी मदद ली जाएगी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के इंटर स्टेट जंक्शन पर विशेष टीम तैनात की गई है। साथ ही खुफिया सूत्रों पर आधारित सूचनाओं पर कार्रवाई के लिए अलग से टीम बनाई गई है।
उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र सीमा पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में नक्सल प्रभावित इन सीटों पर है चुनाव। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खैरगढ़, खुज्जी, मोहला, हमानपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, जगदलपुर, चित्रकूट, अंतागढ़ और बस्तर।